हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सबाना नासरीन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे और बहुत खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं अपना मेकअप कलेक्शन। हम यानी कि मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपना मेकअप कलेक्शन। तो मेरा मेकअप कलेक्शन क्या है वो दिखाती हूँ। है तो बहुत पर बहुत कम है, क्योंकि एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपके पास इतना सामान भी थोड़ा कम रहता है, क्योंकि ज़्यादा अच्छे ब्रांड के सामान आपको चाहिए होते हैं। और बिगनर मेकअप भी मैं दिखाऊंगी कि उनके लिए क्या क्या चाहिए, क्योंकि बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है ये सारे। और अपनी ज्वेलरी कलेक्शन भी आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो ज़रूर मैं वीडियो लाऊंगी। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं अपना मेकअप कलेक्शन कि मेरे मेकअप कलेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें हैं। सो सी, ये सारी चीज़ें जो मेरा मेकअप कलेक्शन है, तो इसमें मैं आपको कलेक्शन अच्छे से दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये फर्स्ट, इसमें मेकअप नहीं है, सॉरी, इसमें ज्वेलरी है। तो ये फर्स्ट जो मेकअप बॉक्स है, ये आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा कि मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे ये गिफ्ट किया था। ये वाला मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे गिफ्ट किया था, जो कि कबीर भाईजान हैं, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था सऊदी अरब से। तो ये भी काफ़ी अच्छा मतलब है, और इसका बहुत अच्छा सेंट आता है। ये सबको ना मैं अलग अलग रिव्यू उनका शेयर करूँगी। तो इसका प्राइस तो मुझे नहीं पता, बट मैं आप लोगों के साथ जो बिगनर मेकअप है मैं बताऊँगी कि बिगनर मेकअप में आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, ये पहला हो गया, और देख लेते हैं। तो ये लिपस्टिक वगैरह तो मैंने आपको दिखा दिया था। तो ये मेरे ब्रशेस का सेट है, आप देख सकते हो। ये सारे मेरे मेकअप ब्रशेस हैं, इनका मैंने वीडियो रिव्यू दिया हुआ है। ये जो मेकअप ब्रशेस आप देख रहे हो, इतने अच्छे से ये पैक रहता है, इससे इसको प्रॉब्लम नहीं होता। इनका मैंने रिव्यू दिया हुआ है अपने एक वीडियो में। इनका रिव्यू मैंने अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग देख लेना। मेरा फेस नहीं आ रहा, वेट करें। अब सही से दिख रहा होगा आपको। तो उसके बाद है ये भी मुझे गिफ्ट में मिला था, जो कि है हेसिया 6 कलर ब्लश। ये वाला है, ये सेकंड नंबर है। और फिर ये आई लैशेस है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट ऐसे आई लैशेस नहीं, आपको प्रोफेशनल आई लैशेस लेना चाहिए, चीप क्वालिटी बिल्कुल नो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे क्या है। यहाँ पे जो मेरे कलेक्शन है ये आप देख सकते हो, ये है पर्पल का कॉन्टोरिंग किट, कॉन्टोरिंग कंसीलिंग ये किट है। और यहाँ पे वही सारे कंसीलर वगैरह पिगमेंट है मेरे, ये आप देख सकते हो, ब्रोज़ा का पिगमेंट है। एंड ये है मिलानी का प्राइमर एंड मिलानी का फाउंडेशन। ये सब के बारे में मैं वीडियो अलग अलग लाऊंगी। और ये है NY का, ज़्यादा दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। और ये देख सकते हो आप, ये SQ का आई ऑल्सो डैम का फाउंडेशन है, जो मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है, ये वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो इसको भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे यूज़ करना है। तो ये पर्पल का फाउंडेशन है, जो कि ख़त्म हो चुका है, तो इसको हम साइड करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये जो सेक्शन है ये वाला, इसमें सिर्फ मेरे काजल, आईलाइनर और आईब्रो जेल, ये सब का कलेक्शन है। आप देखो यहाँ पे मैंने ये सबको ही कलेक्ट करके रखा है। इसमें बस एक ही है, ये डर्माकोल का फाउंडेशन, देखिए। और बाकी बात जितने भी है सारे आईलाइनर वगैरह है, काजल है, बस यही सब चीज़ें हैं। और मैं आपको एक बहुत बेस्ट ट्रिक बताने वाली हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर बाद शेयर करूँगी, मतलब थोड़ी देर बाद नहीं, दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। सो ये मैं काजल का कलेक्शन अपना रख देती हूँ। फिर ये लिपस्टिक वगैरह तो आपने देखी ही हुई थी, और ये भी लिपस्टिक है। और फिर ये मेरा मस्कारा है, जो कि है L'Oreal का फॉल्स लेसिस वाला, ये मस्कारा है। और बाकी चीज़ें इतनी मेकअप में। और फिर
ये जो आप देख रहे हो ये मेकअप रिमूवर है और ये बिल्कुल पैकेजिंग में ही है। ये वाला जो डर्माडॉक का फाउंडेशन है, इनकी मुझे आपके साथ रिव्यू शेयर करनी है जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, पर बहुत जल्द लाने वाली हूँ। और ये बेस्ट पैक का HD ट्रांसलेशन पाउडर है, ये बहुत एक्सपेंसिव है बट ये बहुत अच्छा है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो जो चीप क्वालिटी की ब्रशेज होते हैं वो मैंने रखा है, और ये ब्यूटी स्पंज बस इतना ही है, और ये हाइलाइटर जो SQ का है इसका भी मैंने रिव्यू शेयर किया है वीडियो में, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। एंड देन ये मास्क का कलर चेंजिंग फाउंडेशन, इसका रिव्यू मैं डाल चुकी हूँगी या डालने वाली हूँगी, पर बहुत जल्द इसका भी, अगर मैं डाल चुकी हूँगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और अगर डालने वाली होंगी तो फिर आपको जब डालूँगी। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो सुनीसा का फाउंडेशन, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, ये भी है मेरे कलेक्शन में। एंड ये हुडा ब्यूटी का चीपेस्ट वाला मेकअप फिक्सर, ये भी है मेरे कलेक्शन में। एंड ये SQ का हाइलाइटर, ये भी है मेरे कलेक्शन में, बट इसकी हालत देख रहे हो, ऐसी हाइलाइटर आप ना लो वही अच्छा है आपके लिए। एंड देन ये लॉरियल का आईब्रो किट, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। ये है लॉरियल का आईब्रो किट, और ये सब तो बस सीरम वगैरह है जो आपको बताइए। और साथ ही साथ मेरे पास ओलिविया का पेन स्टिक है, जो कि आप देख सकते हो ये कंसीलर है, इसको आप एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो, ये बहुत आपको बहुत ज़्यादा चीप रेट में मिलती है। और ये इंडियन स्किन टोन के हिसाब से, तो इसको ब्लेंड करने के बाद ही होगा, मैंने अभी ब्लेंड नहीं किया है तो आपको नहीं दिख रहा। और ये जो लिपस्टिक है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि मैक मी की है, और ये लिपस्टिक है हाफ एंड हाफ की, जो कि आपको पता ही है। अब सबसे लास्ट कलेक्शन जो है वो मेरा है आई शेडो हाईलाइटर एंड बाकी चीज़ों का, जो कि मैं इस बॉक्स पे रखती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास कौन कौन सी आई शेडो है। जो ये सबसे पहले ये है ग्लिटर वाली आई शेडो, जो कि मिस रोज़ की है, इसका मैंने रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया है एक वीडियो में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग देख जरूर लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर में आता है शिवाना का, ये देख रहे हो आप मैंने डेंटिंग पेंटिंग किया है क्योंकि ये टूट गया है, तो ये शिवाना का हाइलाइटर है, ये भी काफ़ी अच्छा है, पिगमेंटेड है पर लॉन्ग लास्टिंग ये नहीं है। उसके बाद इसका मिड गया है लोगो, ये मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट है, इसका रिव्यू भी मैंने शेयर किया है शायद, अगर किया होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये देखिए 32 कलर्ड वाला है ये। उसके बाद ये SQ का आई शेडो पैलेट है, जो कि बिगनर वाला है, देख सकते हो आप, मतलब इसमें ज़्यादा सेट्स तो नहीं है बट नॉर्मल सेट्स है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा हाइलाइटिंग सेट्स है। इनकी रिव्यू मैंने शायद शेयर नहीं की है, अगर की होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नहीं की होगी तो मैं इसका जो है ना वो लेके आऊँगी रिव्यू। फिर आप ये वाला बात करें तो ये बिकनी बॉटम वाला है आई शेडो पैलेट, इसका जो यहाँ का फ्रंट था ना इसको मैंने चिपका दिया क्योंकि देखने में थोड़ा ज़्यादा अजीब सा लग रहा था मुझे, न्यूट था, तो ये इस तरीके का आई शेडो पैलेट है, इसका भी मैंने रिव्यू शेयर किया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप लोग जाके देखिएगा, वेरी वेरी मतलब बहुत बहुत अच्छा है ये। और इसका प्राइस 999 है, बट इसका तरह आई शेडो मेरे जितने भी आई शेडो कलेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे यही लगता है रूट कॉस्मेटिक वाला। फिर आप ये देखिए स्विस ब्यूटी का ये हाइलाइटर है, जो कि इसका ये मुझे गिफ्ट में मिला है, इनका भी मुझे रिव्यू शेयर करना है, सो पहले मत लीजिएगा, पहले मैं इनका रिव्यू लाऊंगी उसके बाद, पर स्विस ब्यूटी बहुत अच्छी होती है। फिर ये है मेरे पास आई मैजिक का जो है, इसका भी मैंने रिव्यू शेयर किया है, आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं पता नहीं, बट हाँ ये आई मैजिक का है, इसका रिव्यू मुझे शेयर करना है, शायद मैंने नहीं किया है, तो ये आई मैजिक का आई शेडो है, तो इसमें इस तरीके से सेट्स मिलते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ये
ये है यूरोप गर्ल का ब्लश और ये यूरोप गर्ल का हाइलाइटर, ये दोनों चीज़ें हैं। एंड देन ये इसका टूट गया है ना, ये देखिए टूट गया है, इसीलिए मैंने इसको चिपका रखा है ये वाली टेप से। और ये भी है मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट, जो कि इसका भी रिव्यू मैंने शेयर किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। फिर ये है ओबिस, ये वाला आप देखिए, ये हाइलाइटर है और एक है, दोनों ही हाइलाइटर ही है। उसके बाद ये आप देख सकते हो, ये है एन वाई का आई शेडो, जो कि है इस कलर में, आप देखिए ये कलर शायद मेरे उसमें भी है, तो ये एन वाई का आई शेडो है छोटू सा। फिर ये वाला आप देख सकते हो यम्मी आईज का जो आई शेडो है ना, ये मुझे बहुत है, ये शुगर का जो आई शेडो है, ये मतलब पेंसिल वाला है, तो ऐसा वाला आई शेडो मैं नहीं लेना प्रेफर करूँगी। इसका भी है लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना। और ये जो है, ये है शुगर का कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग किट, ब्लश भी है इसके साथ में, कॉन्टोर हाईलाइट ब्लश, ये तीनों मिलता है इस वाले पैलेट में। और ये जो है, ये है जैकलिन हील का पैलेट, इसका रिव्यू भी मैंने शेयर किया है, बट ये वाला बिल्कुल बूस्ट है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, शायद मैंने पहले शेयर किया होगा तो हो सकता है मैंने इसको अच्छा बोला होगा, बट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसका जो मेकअप है ना, थोड़ी देर बाद डिसकलर होने लगता है। मैं आपको दिखाने के लिए करती थी मेकअप, क्योंकि पहले मेरे पास उतने प्रोडक्ट्स नहीं थे, फर्स्ट लिया था इसको, तो बट ये थोड़े देर बाद बिल्कुल उड़ जाता है। तो इतने ही हैं मेरे मेकअप कलेक्शन में, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो देखिए, और जिनका भी रिव्यू आपको जानना है आप ना मुझे लिंक मतलब जिस कमेंट में बता देना, हो सकता है वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो, बट हाँ मैं वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊंगी, तो देखना ज़रूर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।